नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा जिला इन दिनों अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। आए दिन चोरी, लूट, हत्या जैसे जघन्य अपराध घटित होते रहते हैं। अपराध की मुख्य वजह नशा है। खुलेआम जगह जगह कोरेक, शराब और मेडिकल नशे की बिक्री की जाती है। खास तौर पर युवा वर्ग नशे की दलदल में फंसता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज के ठेकेदारों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अपने चंद रुपयों के लालच में युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। रीवा शहर का कबाड़ी मोहल्ला, पांडेन टोला, तरहटी, बिछिया, घोघर, निपनिया, रितहरा, खैरी नई बस्ती, मैदानी, करहिया, गुड़हर, पड़रा कुछ ऐसे स्थान हैं जहां के रहने वाले 75% लोग नशे के कारोबार में लिप्त है। ये ताजा मामला चुराटा थाना क्षेत्र के पड़रा मोहल्ले का है, जहां पचमठा आश्रम से रेलवे स्टेशन टिकट लेने पहुंचे प्रशांत महाराज को बंधक बनाकर एक दर्जन बदमाशों ने जमकर मारपीट की। उनका बैग, लैपटॉप, मोबाइल, अंगूठी तक छीन ली। सारी रात बंधक बनाकर रखा और सुबह 11 बजे तक सब सामान छीनने के बाद मारपीट करते हुए भगा दिया। पीड़ित की माने तो रात करीब 9 बजे हैदराबाद की टिकट लेकर वापस आश्रम के लिए रीवा रेलवे स्टेशन से वो लौट रहे थे। तभी प्रांशु नाम का युवक मिला और उससे बोला कि राहुल भैया बुला रहे हैं। प्रशांत उनके साथ उनके अड्डे में पहुंचा, जहां एक पुराने जर्जर भवन में बदमाश जमघट लगाकर नशे में धुत युवक वीडियो में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। ये वीडियो प्रशांत महाराज ने अपने ही मोबाइल से बनाया है। हालांकि अपराधियों को जानकारी हुई तो उन्होंने एक मोबाइल छीन लिया, जबकि एक मोबाइल बच गया। बताया जाता है कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर वो शिकायत किया तो दादा भाई को नहीं जानता होगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही FIR करने से भी मना किया। हालांकि पीड़ित थाने पहुंचा और शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। पहले आपको सुनाते हैं प्रशांत महाराज को, जिनके साथ मारपीट और लूट की घटना घटित हुई। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो कि किस तरह से रीवा जिला अब उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता रीवा बनता जा रहा है, जिसकी चिंता ना तो यहां के पुलिस प्रशासन को है और ना ही यहां के जनप्रतिनिधियों को। बढ़ती बेरोजगारी और जगह जगह मिल रहे अलग अलग तरह के मेडिकल नशे अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। राधे राधे। 30 तारीख की रात की बात है, मैं पचमठा आश्रम से रेलवे स्टेशन गया, वहाँ हैदराबाद की टिकट पूछने। वापस आते समय प्रांशु नाम का एक लड़का मिला, बोला राहुल तिवारी जी मिलना चाहते हैं। बोला चलो। वहाँ गए तो 10 लड़के बैठे हुए थे, मैं समझ नहीं पाया। और वहाँ धीरे धीरे लड़के और आते गए और हम लैपटॉप लिए थे, मोबाइल भी लिए थे 2, हमारा मोबाइल एक छीन लिए, अंगूठी सोने के लिए थे टूटी हुई वो भी ले लिए। रात भर बैठाए, रात में फिर जैसे तैसे करके मैं एक बार स्कूटी अपनी चालू करके बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड में बैग रखा, मोबाइल चार्ज लगाया और 100 नंबर को फ़ोन लगाया। 100 नंबर वहाँ नहीं पहुंच पाई, फिर वो लोग वो लड़के पहुंच गए वहाँ, बोले यहीं मारेंगे अगर नहीं चलोगे तो। फिर ले गए हमको, फिर ले जा कर के वहीं बैठा दिए पड़रा आरा मशीन के अंदर, जो रोड जाती है बीज भंडार है उसके पीछे एक छोटा सा घर बना हुआ, वहीं हमको बैठाए रहे। सुबह फिर 10 बजे जब हम अंगूठी दे दिए, लैपटॉप दे दिए, मोबाइल दे दिए पूरा, बोले अब FIR तो नहीं करोगे, मारे भी हमको और मार करके फिर बोले FIR अगर करोगे तो मार डालेंगे, दादा भाई को नहीं जानते हो। और बोले हो गया जाओ अब कहीं, सीधे घर जाना और निकलना नहीं बाहर से। हम बोले वहाँ से गाड़ी उठाए चले जाए घर, न तो कोतवाली गए न कहीं गए, 100 नंबर फोन लगाए आई और हमारी न्याय हमारे साथ नहीं हो रहा। हमारे साथ हमारे घर में भी कल रात में 20-25 लड़के आए वो घर में जो रोड किनारे बना है, पर वहाँ कोई नहीं था इसलिए वो लौट गए। और यही चाहता हूँ प्रशासन अगर आँख बंद किया है, सुन रहा है तो सुन ले, आँख तो बंदी किया है। राधे राधे, जय श्री मन्नारा। सुना आपने किस तरह से खुलेआम बदमाशों के द्वारा अपहरण किया जाता है, मारपीट करते हुए लूटपाट की जाती है। ये कहीं दूर दराज का नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच पड़रा में घटित घटना है, जहां रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। आइए आपको दिखाते हैं उस कमरे का वीडियो, जहां दर्जनों की संख्या में बैठे असामाजिक तत्व नशे का सेवन कर रहे हैं और प्रशांत महाराज बीच में बैठे हैं, जिनके द्वारा ये वीडियो बनाकर सेंड किया गया है।
हाँ मेरे को बोला कि मैं भाभी जा पहुंचा दिया हूँ, ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि रीवा जिले का है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा लिए होंगे कि किस तरह से बेरोजगार युवक नशे की दलदल में धंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।